हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट समीर। आज की जो वीडियो होगी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल वीडियो होने वाली है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, साथ ही साथ जो नए ऐप है उन्हें भी अगर आप यूज़ करते हैं, साथ ही साथ अगर आप क्रेडिट कार्ड से अमाउंट विड्रॉ करने में यकीन करते हैं, अमाउंट को अगर आप निकालते क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अगर आप बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में चेक करते रहते हैं, ऐप चेक करते रहते हैं, सो उसके लिए आज की जो वीडियो होगी काफ़ी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक तो ऐसे ऐप की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसके थ्रू अपने जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद इन अ मिनट, राइट। सो उसके बारे में बात ही करेंगे, साथ ही साथ इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट है, उन सब के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप क्रेडिट कार्ड का अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके काफ़ी सारे ऑप्शन वेरिएशन आपके पास अवेलेबल है, पर इसके साथ साथ कुछ एप्लीकेशन है जो आपसे हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस लेती है, राइट। कुछ की अगर हम बात करते हो तो 3% लेते हैं, कुछ 4% लेते हैं, कुछ 2% लेते हैं, कुछ 2.5 मींस 2 से 4% के बीच में ये आपका अमाउंट जो वेरी करता है। साथ ही साथ कुछ जैसे कि अगर फॉर एन एग्जांपल मैं बात करता हूँ, सो खुद पेटीएम से आप इजीली अपने क्रेडिट कार्ड्स की से जो अमाउंट है वो बैंक में आप ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ वीडियोस अवेलेबल है, मैं भी एक वीडियो काफ़ी जल्दी शेयर करूँगा। अब मेन बात करते हैं टॉपिक पर, एक ऐप मैं आपको बता देता हूँ, हीरोइन पे जिसका नाम है, राइट। लोगो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने खुद इसे पर्सनली यूज़ किया, ट्रांजेक्शन भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ऑलमोस्ट एक काफ़ी अच्छे नंबर में मैंने इससे ट्रांजेक्शन किया हुआ है। सिंपल आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, आप इससे अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, साथ ही साथ सिर्फ आप इससे रिचार्ज मीन्स अगर बात करता हूँ क्रेडिट कार्ड नहीं, आप इसे रिचार्ज कर सकते हैं, मीन्स नॉर्मल जैसे आप गूगल पे फ़ोनपे यूज़ करते हैं उस तरह भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ एप्लीकेबल हो जाती है, जब आप इसमें अमाउंट ऐड करते हैं आपका 1 रुपये भी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, पर जब आप इसमें टॉपअप कर लेते हो वॉलेट में ऐड करके, जब आप पेमेंट करते हैं, चाहे आप UPI पेमेंट कर रहे हो, चाहे बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो, चाहे और कोई आप पेमेंट कर रहे हो, सो उस पर यह 2.75% का चार्जेस लेता है, राइट। इसके साथ साथ इसके अलावा अगर मैं मेन बात करता हूँ, अगर आपकी पेमेंट क्लियर हो जाती है तो कोई कंसर्न नहीं, अगर आपकी पेमेंट स्टक हो जाती है, राइट, जो कि मेरी 2 पेमेंट स्टक हुई थी, जो एक 20,000 का अमाउंट था, एक जिसमें 10,000 के समथिंग का अमाउंट था, वो स्टक हुई थी। बात करूँ तो इस मंथ के स्टार्टिंग में, राइट, अगस्त की स्टार्टिंग में 3 तारीख को पेमेंट मैं कर रहा था चेक करने के लिए, वो पेमेंट फेल्ड हो गई, अमाउंट वॉलेट से डेबिट हो चुका है, क्रेडिट कार्ड से डेबिट हो चुका है, पर स्टिल बैंक में अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स अगर बात करता हूँ, लॉसेस की बात करता हूँ, तो इस ऐप के, इस ऐप में आपको कस्टमर केयर से आप डायरेक्टली इसमें बात नहीं कर सकते, आपको व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड की हुई है, उनके थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनसे भी आपको रिस्पांस मिलता है, पर काफ़ी जल्दी रिस्पांस नहीं मिलता, काफ़ी डिले करते हैं रिस्पांस करने में। साथ ही साथ जो अमाउंट रिफंडेबल प्रोसेस है, 24 आवर या 48 वर्किंग आवर्स का इसमें टैट दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, पर जो कि ये हमेशा क्रॉस कर देते हैं, मीन्स जो टाइम में आपको ये देंगे उस टाइम पर नहीं हो पाएगा। सो इस ऐप से प्लीज़ आप बच के रहें, क्योंकि जब तक आपकी पेमेंट क्लियर हो रही है वेल एंड गुड है, राइट, स्टिल आपको लगता है कि अमाउंट यूज़ करना चाहिए, वॉलेट यूज़ करना चाहिए, सो कम नंबर ऑफ अमाउंट में आप इसे यूज़ करें। लाइक अमाउंट अगर आपको ज़्यादा निकालना है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप निकालें, अल्टीमेटली चार्जेस सेम लगने, चाहे आप एक बार में निकालें चाहे थोड़ा थोड़ा करके निकालें। उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका पेमेंट अटकती भी है सो आपको इनिशियली पता चल जाएगा, हो सकता है सर्वर डाउन हो, कोई अदर रीज़न हो, सो उस वजह से फेक पेमेंट आपकी स्टक होगी, पूरा होल अमाउंट आपका स्टक नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से अमाउंट निकालते हैं तो किसी ना किसी इमरजेंसी में या कोई अदर यूसेज के लिए आप निकालते हैं, सो एटलीस्ट वो आपका होल्ड नहीं होगा, राइट। सो इस चीज़ के प्लेंटी ऑफ रीजंस मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, पर क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस चीज़ से बच के रहे, एंड साथ ही साथ इस चीज़ में प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जब आप यूज़ करते हैं सो स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा लगता है, पर जब आप इसे रीपे करते हैं सो काफ़ी हार्ड हो जाता है, राइट। अभी के लिए वीडियो में यहीं स्टॉप करता हूँ, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, मैं आपसे लूँगा नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए अपडेट के साथ, अभी के लिए गुड बाय।